वालेकुम, क्या हाल है? आप सबके ठीक ठाक हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। तो जनाब, आज मैं हाजिर हुई हूँ स्वीटी जी के रिव्यू के साथ और शबाना जी के रिव्यू के साथ। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर ज़रूर कीजिए, और डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक है टिकटॉक का भी और इंस्टाग्राम का भी, वहाँ जाके मुझे ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तो आपको इंटरेस्टिंग थिंग्स मिलेंगी देखने को, रील्स होंगी और वीडियोस होंगी। तो चलिए जी, स्टार्ट लेते हैं अपनी वीडियो का। अच्छा जी, इस तरह की बात है कि गुड़िया का शोहर हुआ नाराज़ अपनी ससुरालियों से, बीवी से। रीज़न क्या है? रीज़न वही है कि जब दो सांडू, दो बहन भाई आ जाते हैं किसी भी ख़ानदान में, तो उनमें फिर टसल चलती है, और यही चीज़ हुई है शबाना की फैमिली में। अभी जो रिसेंटली शादी हुई थी अंबरनाज की, उसमें और इतनी धूमधाम से हुई, इतनी धूमधाम से हुई, और जो छोटे वाला दामाद है उसे इतना प्रोटोकॉल मिला कि गुड़िया की शादी में शायद ये चीज़ें नहीं थी, और गुड़िया के शोहर को ये चीज़ बहुत फील हुई। और यही रीज़न है, अंदरूनी ज़राई ने बताया है कि यही रीज़न है जिसकी वजह से गुड़िया का शोहर नाराज़ होके बैठा हुआ है। आप लोगों ने नोट किया होगा शादी की वीडियोस में भी वो कोई ख़ास नज़र नहीं आए। खैर, वो क्या नज़र आता, उसके तो घर वाले भी नज़र नहीं आए। और फिर अभी जो लेटेस्ट खाना किया था चौथी का, या लड़कों का, लड़कों के घर वालों का जो दावत थी, तो उसमें भी शबाना ने अपने पहले दामाद को की फैमिली को इनवाइट नहीं किया, और तो और मुअत्तर के घर वाले भी उसमें नहीं थे। और जो पहला दामाद है वो भी थोड़ा सा ही कहीं नज़र आए वीडियो में, लेकिन खाने के दस्तरखान पे या खाने पे वो इन लोगों में शामिल नहीं था। तो यहीं से अंदाज़ा लगाएं कि कितनी अजीबोगरीब सिचुएशन होगी गुड़िया के घर में, और शायद यही वजह है कि गुड़िया में भी तलखी आई हुई है, और वो अंबर को कोई सीधा जवाब देती ही नहीं है और उल्टी सीधी बात करती है। बाज़ औक़ात आप नोट करें, वीडियो में भी उसके कोई ऊट पटांग या एक्सप्रेशन चल रहे होते हैं। तो अब देखते हैं कि आगे होता क्या। अब देखा जाए तो ये जो अंबर है, और इसको जो भी जहेज़ मिला होगा, जाहिर बात है दुबई शबाना जी गई और वहाँ से भी शॉपिंग की, और फिर वो भी दिया, यहाँ से भी शॉपिंग की वो भी दिया, लेकिन गुड़िया के बार पे ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो लाजमी बात है उसके हस्बैंड को तो ये सोचना ही था। और अब लेट्स सी कि नेक्स्ट क्या होता है। और अंबर जो है वो अपनी हरकतों से बाज ही नहीं आ रही, छिछोरी हरकतें, मतलब देखे ना, चूड़ियाँ दिखा रही है बार बार, कभी पाजेब दिखा रही है, कभी मेकअप दिखा रही है, कभी वो जो फ़ोटोशूट में ड्रेस पहना था कोई हल्का फीका सा, तो हालांकि कोई ख़ास डिज़ाइन का भी नहीं था। दुल्हन ने तो काफ़ी अच्छे अच्छे ब्रांडेड किस्म के जो लेटेस्ट डिज़ाइंस होते हैं वो पहनती हैं। मैं तो हैरान हूँ, इतनी कमाई है तो एटलीस्ट अंबर अपने लिए खुद ही कोई अच्छा सा ले लेती। लेकिन बात चॉइस की आती है, पैसा होने ज़रूरी नहीं है, अगर किसी की चॉइस ही अच्छी नहीं है तो वो फिर क्या करे। मेरे ख्याल से वो बार बार कह रही थी ये परी का है, परी का है। लेकिन दो बातें बहुत इंटरेस्टिंग हैं फॉर्म हाउस पे जो फ़ोटोशूट के दौरान हुई, वो ये कि एक तो अंबर की सास झूला झूल रही थी, और दूसरी बात ये कि अंबर ने फ़ोटोशूट में ग्लासेस सर पे लगाई हुई थी, यानी दुल्हन ने, तो दोनों का मैच बराबर है। तो देखा जाए तो शोहर भी उसको वैसा ही मिला, यानी कि जोरू का गुलाम जैसे होना चाहिए। देखा जाए तो मोहसिन पे इल्ज़ाम था कि उसने यूट्यूब की वजह से अंबर से शादी की और व्यूज़ के लिए की, कि वो अच्छा सा एक चैनल बना सके और रेटिंग पे आ जाए। लेकिन हम सब ने देखा कि रिसेंटली अंबर की भी शादी हुई, मोहसिन की भी शादी हुई, लेकिन मोहसिन ने अपनी शादी को कोई कवरेज नहीं दी, बल्कि अपनी जो बीवी थी उनको भी छुपा के रखा। और स्वीटी जी को जाहिर बात है कुछ तो अहकाम सादर किए गए होंगे कि भाई उसको ब्लर कर दो और मत दिखाओ। तो ठीक है, बनता भी है, क्योंकि मोहसिन को कोई ख़ास यूट्यूब से इंटरेस्ट नहीं है कि
जाहिरी बात है, एक दफ़ा उसने कहा था कि रियल लाइफ और होती है और फेक लाइफ और होती है। तो जाहिरी बात है, वर्चुअल जो लाइफ है, जो यूट्यूब पे है, जो मतलब सोशल मीडिया की जो डिजिटल लाइफ है, वो थोड़ी डिफरेंट है। कभी भी इसमें सच नहीं दिखाया जाता, मिक्स करके दिखाया जाता है। रियल लाइफ में आप ये चीज़ें अफोर्ड कर ही नहीं सकते। खैर जी, एनीवेज बात हो रही थी शादियों की, तो लेकिन अंबर नाज ने तो खैर अपनी हर एक चीज़ दिखाई, और तो और स्कार्फ भी निकाल के बाल भी दिखाए और ड्रेस भी दिखाया, ईच एंड एवरीथिंग। हम नहीं कह सकते कि ढकी छुपी अंबर जो कभी होती थी, हमें नहीं पता कि वो उसके बाल कैसे हैं या फिर उसका सर से लेकर पाँव तक कैसी है। अब तो खैर हमें तो क्या, वो तो कैमरामैन और फार्म हाउस में जो फ़ोटोशूट जिसने किया, सबको सब कुछ ही पता है, सिर्फ हम ही उसमें शामिल नहीं हैं। तो बहन मेरी, बात ये है कि अब स्कार्फ लेने का कोई फ़ायदा नहीं, ढके छुपे रहने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि ख़ास मौक़ों पे तो आप, क्योंकि ख़ास मौक़ों में आप लोगों के घर में ये रिवाज आम है कि भाई उसमें हमें बाल खोलने हैं, दिखाने हैं, स्कार्फ को हटाना है, और फुल फ्लैज मतलब आटा मुंह पे मल के और अच्छे फैशन में सामने आना है कैमरे के। शबाना जी और स्वीटी जी, इन दोनों से मुझे ये कहना है कि जनाब, बात यह है कि जब आप सोशल मीडिया पे आ जाते हो, अपनी पर्सनल एक एक चीज़ दिखाते हो, ससुरालियों से हमें ये गिफ्ट मिले, वो गिफ्ट मिले, और कबर्ड खोल खोल के आप उनकी ड्रेसेस भी दिखा रहे हो, वैसे अपने दिए हुए गिफ्ट भी दिखा रहे हो कि ये वाला जोड़ा मिला, वो वाला मिला। इवन शबाना जी भी सेम काम करती हैं। तो इन दोनों ख़वातीन को पता होना चाहिए कि ऑडियंस तो हर तरह की होती है, जो अच्छा भी बोलती है, बुरा भी बोलती है। और शबाना जी से तो ख़ास तौर पे ये बात कहूँगी कि आप हमेशा तरबियत परवरिश की बात करती हैं, तो ये बात ज़रा अपने घर में भी बताइएगा अपनी बेटियों को, ताकि वो भी कुछ सीख लें। क्योंकि जो ऑडियंस देखती है, तो जाहिर बात है वो तो हर तरह के कमेंट करेगी। तो आप लोगों को बड़े सब्र तहम्मुल से उनको जवाब देना चाहिए, ना कि बदतमीज़ी मुँह खोल के आप लोग करें। तो थोड़े से एथिक्स होते हैं, एटिकेट्स होते हैं, मैनर्स होते हैं बोलने के, और ऑडियंस को हैंडल करना तो आना चाहिए, क्योंकि बड़े टाइम से आप लोग सोशल मीडिया पे हैं। ये भी नहीं कहा जा सकता कि अभी जुमा जुमा 8 दिन हुए हैं, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि सोशल मीडिया पे आप लोग आ तो गए हैं, लेकिन आपने सीखा कुछ भी नहीं। और मेरे ख्याल से शादी से पहले अंबर की ट्रेनिंग होनी चाहिए थी कि भाई ससुराल में जाके तुमने किस तरीके से बिहेव करना है, और सास ससुर के साथ कैसे रहना है, अपने दूल्हा मियाँ के साथ, अपने हस्बैंड के साथ किस तरह से रहना है। लेकिन चले, अंबर खुद जैसी है वैसे ही इसको ससुराल भी मिली, और सास भी बिल्कुल अंबर जैसी है, शौक सी, हर वक्त हंसने खेलने वाली, बच्चों जैसी तबीयत वाली, और शोहर भी जोरू का गुलाम निकला। तो अंबर तेरे तो मज़े ही मज़े, क्या समझी। और दूसरी बात ये कि जो लावरियों वाली पोस्ट लगाई थी आपने अंबर, उसमें तो खैर आपका कोई जोड़ बनता नहीं था उन लोगों से, क्योंकि वो ज़रा आपसे एक स्टेप ऊपर थे हर हिसाब से, और ज़रा समझदार भी थे, तेज़ तरार भी थे। लाहौरी तो खैर वैसे भी मशहूर होते हैं कि वो तेज़ होते हैं, तेज़ तो आप भी हैं, लेकिन आप में अलहड़पन और अनाड़ीपन बहुत है। आपने वहाँ भी छाने की कोशिश की, लेकिन स्वीटी ने आपको टिकने नहीं दिया, और जो मोहसिन है, वो चूँकि अपने घर वालों से हट के कोई बात ना सुनता है, ना करता है, ना अमल होता है, तो वहाँ आपकी दाल नहीं बन सकी। लेकिन चलें, ये तो घर बड़ा सीधा सादा सा है जो अभी आपको मिला है, कोई ज़्यादा रश भी नहीं है, तो इंशाल्लाह हमारी दुआ है कि आप वहाँ बसती रहें। लेकिन आप बसती रहेंगी क्योंकि वो लोग बिल्कुल आप जैसे हैं। वैसे देखा जाए तो कहने को तो ये चौथी का खाना था, यानी लड़कों वालों की दावत थी, लेकिन इसमें ऐसी क्या चीज़ थी जो देखने वाली थी, क्योंकि ये आम सी दावत थी, वही पाए का सालन, पानी वाला और दूसरी तीसरी चीज़ें। इससे अच्छी तो शबाना जी ने और लोगों की दावत कर लेती हैं, और अच्छे अच्छे मेन्यू के साथ। तो लगता है शबाना जी के जहन में भी कुछ चल रहा है।